Hello students, so how are you all? I hope you are fine. So in today's lecture we are going to discuss the questions related to idiomatic titrations. So let us see. Question number 1. Calculate the percentage of available chlorine in a sample. Percentage of chlorine batani hai apne ko. In a sample of 3.55 gram CaOCl, bleaching powder, which was dissolved in 100 ml of water. And 25 ml of this solution on treatment with KI and dilute acid requires 10 ml of 0.125 normal Na2H2O3 solution. देखो क्या है अपने पास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल लिए 3.5 ग्राम ऑफ CaCl2 व्हिच वाज डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ वाटर एंड 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद KI एंड डाइल्यूट एसिड. जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो ये डाइल्यूट एसिड है तो ये डाइल्यूट एसिड हम कुछ भी मान लेते हैं इसमें. तो ये डाइल्यूट एसिड फॉर एग्जांपल है HCl ले लो, H2SO4 कुछ भी कंसीडर कर लो. तो ये अपने पास है CaOCl2. अब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा 2 मोल्स HCl के साथ और ये क्या बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. तो 1 मोल Cl2 का लिबरेट होगा इसमें. अब ये जो लिबरेटेड Cl2 है इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी 2 मोल्स ऑफ Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस I2 विल बी लिबरेटेड. और इस I2 की टाइट्रेशन कराएंगे किसके साथ IPO सॉल्यूशन Na2H2O3 और स्टार जैसा इंडिकेटर तो ब्लू कलर आ जाएगा इसके अंदर और डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर उसके एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा. तो ये IPO सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं जब अपने पास बन जाता है Na2S4O6 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI. अब देखो I का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 2 क्योंकि आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है एक आयोडीन तो 2 कितने में जाएगा 2 में 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई. आईपो इसका सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है और यहाँ पे आ रहा है एवरेज 2.5 तो 1 में चेंज कितने की 0.5 की तो 2 में चेंज 2 इलेक्ट्रॉन में सल्फर गए तो 1 की चेंज होगी तो मतलब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे इसका 1. तो क्या कह सकते हैं हम कि मिलीमोल्स ऑफ Cl2 will be equal to millimoles of I2 used by hypo. तो I2 के जो moles हैं hypo से hypo का valency factor क्या हो गया 1 और I2 का 2 तो उसको 2 से divide कर देंगे उसके 1 mole के लिए calculate करने के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब millimoles moles को कह सकते हैं molarity. ये hypo की molarity हमने consider कर ली मान लो m है तो m है तो उसकी मोलैरिटी m into v अगर v ml में है तो उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोल्स हो गए अपने पास अपॉन 2. ये 2 से डिवाइड क्यों किया क्योंकि हाइपो का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे m into v of i into 2 उसका वैलेंसी फैक्टर बराबर m into v of hypo. This is for hypo solution. तो 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा तो वहां से क्या आ जाएंगे अपने पास मोल्स ऑफ I2 यूज्ड. तो अब इसको ये मोल्स आ गए अपने पास तो मास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो क्लोरीन का मोलर मास कितना है क्लोरीन का मोलर मास है 72 तो यहाँ पे इसको क्या 71 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉरी 71 तो दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स m into v in ml into
10 रेस टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 इनटू 71। अब देखो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो गया आपके पास, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बराबर मास ऑफ क्लोरीन m इनटू v इन ml इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 इनटू 71 अपॉन 2 इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में निकालना है। तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। अब देखो इसमें सॉल्व क्या करना था, 3.55 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है व्हिच वाज डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ वाटर। तो देखो 100 ml में अपने पास कितना 3.55 ग्राम CaOCl2 है, तो 1 ml में कितना हुआ 3.55 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। और अपने पास उसका 25 ml लिया है अपने, तो उसके 25 ml में कितना होगा 3.55 अपॉन 100 इनटू 25 ग्राम CaOCl2 25 फोर टाइम्स, तो ये बराबर आ गया आपके पास 3.55 अपॉन 4 ग्राम ऑफ CaOCl2। इतना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रेजेंट है इसमें। अब देखो कि उसके अंदर क्या आस्क्ड है, ऑन ट्रीटमेंट विद KI एंड डाइल्यूट एसिड इट रिक्वायर्स 10 ml ऑफ दिस हाइपोसॉल्यूशन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अपने पास आ गया, यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है, हाइपो की वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो मोलैरिटी n नॉर्मैलिटी बराबर है n इनटू m, तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी बराबर होगी इसकी। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, 0.125 इनटू v, वॉल्यूम कितना लिया उसका 10 ml इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 इनटू 71 इनटू 100 अपॉन 2 इनटू वेट ऑफ CaCl2 कितना हुआ अपने पास 3.55, और ये ऊपर क्या आ जाएगा इसमें 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 से 10 की पावर माइनस 3 ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास आ गया परसेंटेज ऑफ Cl बराबर, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 35.5। अब इसको 35.5 और ये 3.55 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये अपने पास हो गया 0.125 10 इंटू 4, ये आ गया अपने पास 1.25 इंटू 4 एंड दिस गिव्स 5% 5% क्लोरीन आ गया इसमें। अब लेट अस सी द ऑप्शंस, ऑप्शंस आर 5% 8% 10% एंड 12%। सो 5% विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। सो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द percentage of chlorine or some another different element which has been titrated with hypo or some another solution. So let us see another next question. Question is 3.55 gram of a sample of CaOCl2 suspended in water was treated with acetic acid solution, acetic acid and KI solution. I2 liberated requires 80 ml of 0.2 molar hypo. I2 liberated requires 80 ml of 0.2 molar hypo for titration. Percentage of chlorine calculate करनी है इसमें, तो इसमें directly देखो ये formula use कर सकते हो आप, percentage of chlorine क्योंकि same question है, इतना ग्राम sample है, water is treated with acetic acid, तो देखो क्या बनेगी इसमें reaction, CaOCl2
जब इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके दो मोल कंज्यूम होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सी ए सी एस थ्री सी ओ होल ट्वाइस प्लस सी ए सी एल टू प्लस एच टू प्लस सी एल टू प्लस एच टू, तो एक मोल क्लोरीन लिबरेट हो रहा है के आई सोल्यूशन के साथ, आयोडीन लिबरेट हो जाएगा इससे सेम वन मोल, उसकी टाइट्रेशन कराएंगे तो इतना एम एल आई पो, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या कह सकते हैं हम सेम 0.2 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 80 ml, उसको लीटर में बदलने के लिए कितना कर देंगे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू वेट ऑफ क्लोरीन 71 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 3.55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 35.5, इसको ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया 110 10 की पावर 3, तो इट कम्स टू बी 16% परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, 16% क्लोरीन विल बी इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ CaCl2, और यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे, बोथ द सेम वेज आर सेम। देखो इसमें गिवन है द परसेंटेज ऑफ कॉपर सेकंड सॉल्ट वाज डिटरमाइंड हियर बाय यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट, कॉपर सेकंड सॉल्ट है और इसकी हाइपो सॉल्यूशन के साथ परसेंटेज निकालनी है, कॉपर सॉल्ट वाज डिसॉल्व, वेट ऑफ कॉपर डिसॉल्व इज 0.305 ग्राम एंड एडेड एक्सेस ऑफ KI, देखो इस तरीके से KI लिबरेट हो रहा है, Cu2 plus के 2 moles, equation is given, aqueous plus 4I minus aqueous, it gives 2 Cui solid plus I2 aqueous, और liberated iodine requires 24.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइपो सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन रिएक्शन क्या दे रखी है इसमें, वही 2H2O3 2 माइनस प्लस आयोडीन, इट फॉर्म्स एस फोर ओ सिक्स टू माइनस प्लस टू आई माइनस एक्वस, परसेंटेज ऑफ कॉपर कैलकुलेट करनी है बाय मास, और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज गिवन 63.5 एंड ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज 64.2, B option is 51, C option is 48.4 and D option is 25.5. देखो इसमें इतना ग्राम कॉपर का एडेड, कॉपर सॉल्ट ऐड किया एट एक्सेस ऑफ KI, तो ये रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन से हम क्या कह सकते हैं कि 2 मोल्स कॉपर को यहाँ पे आयोडीन के दो तो इसके साथ अटैच्ड है ऑलरेडी, तो 2 वैलेंसी फैक्टर कॉपर प्लस 2 से यहाँ पे कॉपर किस में आ गया प्लस 1 में, तो कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ प्लस 2 से प्लस 1 में 2 कॉपर आए, तो 2 आयोडीन, आयोडीन 4 आई माइनस है तो 2 आई, आई तो आई माइनस में ही रह गए, तो 2 आई चेंज हुए कितने में, आई 2 में, तो यहाँ पे नेट दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, जो मिली मोल्स होंगे अपने पास कॉपर के और आयोडीन के दोनों के बराबर होंगे इसमें, जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको 2 से डिवाइड किया था क्योंकि वैलेंसी फैक्टर आयोडीन के जो थे हाइपो से हाफ थे, तो इस तरीके से इसमें क्या कह सकते हैं हम कि फिर लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब हाइपो सॉल्यूशन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मींस मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी है, ये उसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि मिली मोल्स ऑफ Cu प्लस फॉर्म्ड विल बी इक्वल्स टू मिली मोल्स ऑफ आयोडीन
will be equal to millimoles of hypo, क्योंकि सब वन वन में आ रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर दोनों का सेम है इसमें, तो क्या कह सकते हैं हम इसमें कि परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी इक्वल्स टू हाइपो की मोलैरिटी इनटू दिस इज मोलैरिटी ऑफ हाइपो इनटू बी ऑफ हाइपो दे एम इनटू बी ऑफ हाइपो इनटू मिली मोल्स था तो उसको 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास मोल्स ऑफ कॉपर। अब मोल्स है तो यहाँ से वेट निकाल सकते हैं, बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो W of Cu कितना आ गया इसमें M into V of into 10 की पावर माइनस 3 दिस इज फॉर हाइपो into मॉलिक्यूलर मास कॉपर का कितना हो गया 63.5। सेम उसी तरीके से अप्लाई किया है 63.5। अब आगे क्या है इसमें मोलैरिटी कितनी है उसमें 0.1 इंटू वॉल्यूम इज 24.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू वेट इज 63.5 अपॉन अपॉन वेट ऑफ सोल्ट वेट डब्ल्यू ऑफ सी यू तो दैट इज इक्वल टू 0.305 इंटू 100 तो ये कितना आ गया अपने पास 63.5 देखो इसको हम पुट कर सकते हैं 0.1 10 रेज टू द पावर माइनस 4 तो 24.5 इंटू 63.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0.305। अब देखो ये 10 रेज टू द पावर माइनस 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया लगभग 24.5 इंटू 0.635 अपॉन 0.305 तो ये अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 24.5 मतलब 24 का डबल हो गया 48 तो 49 तो ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग मतलब 50 के नियर बाय आएगा। तो देखो 48 एग्जैक्टली ये 25.5 ऑप्शन नहीं हो सकती, 48.4 लिखा मैं ये भी नहीं हो सकती 49 तो डायरेक्ट जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे जब आ रहा है 51 और 64.5 सो 51 विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 दिस क्वेश्चन इज सिमिलर 0.2 ग्राम ऑफ कॉपर 2 वाज रिड्यूस्ड टू कॉपर 1 बाय आयोडाइड आयंस लाइक Cu2Cu2+4I- इट फॉर्म्स 2Cu2+ आयोडीन इफ 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एडिटिव H2O3 इज रिक्वायर्ड देन फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द सैंपल। ये सेम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर मोलैरिटी ऑफ हाइपो क्योंकि वही सेम वैलेंसी फैक्टर देखो यहाँ पे यहाँ से चेक करेंगे तो सेम उसकी तरह आयोडीन आयोडीन के लिए दोनों के लिए दो तो आएगा तो वन वन इनके मिलीमोल्स कॉपर के और आयोडीन के दोनों के क्या हो गए सेम तो हाइपो में सेम अमाउंट में तो मोलैरिटी ऑफ हाइपो हाइपो की मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1 इंटू वॉल्यूम 20 ml तो ये ml में है तो उसको मिलीमोल्स ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू कॉपर का वेट 63.5 अपॉन वेट वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है इसमें 0.2 इंटू 100 देखो ये 0 और 100 ये 10 की पावर माइनस 3 से कैंसिल हो गया तो ये 0.2 0.1 से 0.2 2 से 2 कैंसिल हो गया मीन 63.5 दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ कॉपर। सो द ऑप्शंस आर 31.75 63.5 एंड 53.37 सो लेट अस सी द राइट आंसर E5
63.5 is the right answer. E4. 51 is the right answer. So these are the some questions related to iterative titrations. Now let us see some more questions related to titrations and equivalent concept. A substance which participates readily in acid-base and oxidation reactions. Isme options are given. A is Na2CO3. B is KOH. C is KMnO4. And D is H2C2O4. Because we pucha hai ki a substance which participate in both acid-base and redox titration. Dekho, ye to base signature hai iska. Kyunki ye weak acid strong base type salt hai. Ye base hai. तो ये तो केवल एसिड टाइट्रेशंस में पार्टिसिपेट करेंगी दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती. KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा. अब ये ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड एसिड बेस टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है एज वेल एज इट कैन पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, जैसा कि हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन किस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा. फिनोक्टिलीन इज नॉट अ गुड इंडिकेटर इन टाइट्रेटिंग. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सैलिक एसिड तो गुड इंडिकेटर है उसमें. सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl गुड है, क्योंकि फिनोक्टिलीन इज अ ये एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है फिनोक्टिलीन, कलरलेस, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में काम में आता है. फिर फेरस सल्फेट यूजिंग KMnO4, तो KMnO4 में एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है बिकॉज KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.1 मोलर solution of KI reacts with 2SO4 and KIO3 solution. According to the equation 5I minus plus IO3 minus plus 6H plus, it gives 3I2 plus 3H2. Which of the following statements are correct? Correct statements we have to identify. A is 200 ml of KI solution reacts with 0.004 mole KIO3. Second is 100 ml KI solution reacts with 0.006 mole of KIO3 H2SO4. liter KI solution produces 0.005 mole of I2 equivalent weight of KIO3 equals to molecular weight divided by 5. So these are 4 options and we have to predict the. So let us see. देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन KI का है, इट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KIO3 सॉल्यूशन. सो ये अपने पास केमिकल इक्वेशन गिवन है और करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें से. सो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI, तो मोलैरिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन KI का कितना है फर्स्ट ऑप्शन में 200 ml, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए KI ए ऑप्शन में से 200, और वॉल्यूम अवेलेबल है तो ऊपर 1000 कर देंगे, मींस मोलैरिटी 0.1 into दिस इंप्लाइज 0.1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 200 into 1000, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स बराबर 0.1 अपॉन 5 मोल,
OKI अभी कह रहा है 200 ml of KI solution थी, actually 0.04 mole of KI थी, तो यहाँ से number of moles कितने आ गए, number of moles of KI will be 0.5 by 50 means 0.002 1 divided by 50 0.000 अब इसके साथ देखो 5 moles of KI 5 moles of I minus reacts with 1 mole of IO3 minus तो 1 mole of I minus react करेगा 1 by 5 mole of IO3 minus तो आपके पास कितना है 2 into 10 raised to the power minus 2 mole of I minus react करेगा 1 by 5 into 2 into 10 raised to the power minus 2 तो minus 2 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 और ये 20 तो 20 पावर 5 4 जो 20 मींस 0.004 मोल ऑफ IO3 माइनस तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है 200 ml KI सॉल्यूशन में कैलकुलेट किया हमने तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.02 मतलब 2 into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power minus 2 मोल आ गए अपने पास तो 5 मोल KI वो रिएक्शन से देखा हमने 5 मोल की आई रिएक्ट कर रहा है 1 मोल IO3 के साथ तो 1 मोल की आई रिएक्ट करेगा 1 मोल बाय 5 के साथ तो जितने मोल आए उसके साथ निकाला तो इतने मोल ऑफ IO3 आ गए तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है ऐसे सेकंड ऑप्शन 100 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स 0.006 m H2SO4 तो देखो यहां से मोलैरिटी वही मोलैरिटी के ये बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम तो मोलैरिटी 0.1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम क्या हो गया 100 यहाँ ऊपर ml में करने के लिए ये लीटर बदलने के लिए 1000 हो गया तो 100 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10 रेस टू द पावर माइनस 2 मोल अब देखो H2SO4 इसके 5 मोल को H2SO4 6 H प्लस है तो 3 1 H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी इसकी बेसिसिटी है 2 तो 6 H प्लस में 3 मोल H2SO4 के बने तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि 5 मोल I माइनस को रिक्वायर्स 3 मोल H2SO4 तो 1 को रिक्वायर होगा 3 बाई 5 मोल H2SO4 तो 10 की पावर माइनस 2 को रिक्वायर होगा 3 बाई 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 तो ये 6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोल मीन्स 0.006 मीन्स एब्सोल्युटली राइट दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन Now, C option. देखो 0.5 लीटर मतलब 500 ml of KI solution. तो 500 ml में number of moles निकाल लो. तो number of moles बराबर हो गया. यहाँ पे molarity 0.1 into 500 upon 1000 to 5 into 10 raised to the power minus 2. इतने मोल आ गए अपने पास किसके KI के 0.5 लीटर में प्रोड्यूसर्स इतने मोल ऑफ आयोडीन अब यहां से देखो 5 मोल आई माइनस कितने आयोडीन प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल तो 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 3/5 मोल I2 तो 5 into 10 raised to the power minus 2 मोल प्रोड्यूस करेगा 3/5 into 3 into 5 into 10 raised to the power minus 2 means 0.03 मोल यहां पे दे रखा है 0.05 मोल ऑफ I2 इट मींस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग इक्विवेलेंट वेट ऑफ KI मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 तो देखो KIO3 में I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 5 यहां क्या हो गया 0 तो कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज 5 की I m डिवाइडेड बाय 5 मींस दिस ऑप्शन सो ऑप्शन ए बी एंड डी दीस आर द राइट ऑप्शंस सो नेक्स्ट वी आर गोइंग नेक्स्ट सम फ्यू क्वेश्चंस More miscellaneous type questions we are going to discuss in the next lecture. So thank you.